हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। हुआ था कई बार मनाली आने का मौका मिला रोहतांग की तक की यात्रा की, लेकिन बाद में बर्फ का पहाड़ आकर खड़ा हो गया, रास्ता बंद, आना जाना ठप। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मनाली से लेह तक ऐसा रास्ता होना चाहिए जो 12 महीने उपलब्ध हो। टनल के कार्य में 587 मीटर लंबे सैरी नाले के रूप में एक कठिन समस्या सामने आई। इसमें 8000 लीटर प्रति मिनट के बहाव से पानी ने टनल के कार्य में बाधा डाली। ये समस्या अपने आप में विश्व की एक अनूठी चुनौती साबित हुई, जिसको नवीनतम टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरणों से दूर किया गया। समय पर कार्य पूरा करने के लिए 3000 श्रमिक तथा बीआरओ के 650 कर्मियों ने एकजुट होकर 3 शिफ्टों में कार्य किया। सरकार के रक्षा मंत्रालय के लिए भी है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के लिए भी है और बीआरओ के लिए स्पेशली भी है। एक ये टनल का काम अपने आप में है, इंजीनियरिंग की दृष्टि से, वर्क कल्चर की दृष्टि से यूनिक है। पिछले इतने वर्षों में जब से इसका डिजाइनिंग का काम शुरू हुआ, कागज पे लिखना शुरू हुआ, तब से लेकर कब तक, अब 1500 लोग ऐसे छांटे, मजदूर भी हो सकता है और टॉप व्यक्ति भी हो सकता है, उसने जो काम किया है उसका अपना जो अनुभव है उसको वो अपनी भाषा में लिखे। एक 1500 लोग पूरी प्रोसेस को अगर लिखेंगे, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होगा जिसमें ह्यूमन टच होगा। किसी एक व्यक्ति को जिम्मेवारी दीजिए,